कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने छठ पूजा को लेकर बड़ा फैसला किया है। इस साल भी दिल्ली में सार्वजनिक स्थान पर छठ पूजा नहीं हो सकेगी। त्योहारों को लेकर डीडीएमए ने नई गाइडलाइंस जारी की है जो 15 नवंबर तक प्रभावी रहेंगी। इस दौरान छठ पूजा के साथ साथ दिवाली और दशहरा भी आएगा। दिल्ली में पटाखों पर पहले से ही बैन लगा हुआ है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डीडीएमए की बैठक में ये फैसला लिया गया है। डीडीएमए ने अपने ऑर्डर में कहा है कि कोरोना के मामलों में भले ही गिरावट देखी जा रही है, लेकिन त्योहारों के सीजन में संक्रमण के फैलने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में सार्वजनिक जगहों पर पूजा करने का जोखिम नहीं लिया जा सकता। आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों, मैदानों और मंदिरों में कार्यक्रमों पर भी पाबंदी रहेगी। छठ पूजा के लिए मेलों का आयोजन करने की छूट नहीं होगी। फेस्टिव सीजन के दौरान दिल्ली में मेला, फूड स्टॉल, झूले, रैली आदि की इजाजत नहीं है। इससे पहले कोरोना संकट की वजह से साल 2020 में भी छठ पूजा घर पर ही मनाने की अपील की गई थी। इससे पहले दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर गणेश उत्सव विसर्जन करने की भी छूट नहीं दी गई। तब भी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक थी। बता दें कि दिवाली के 6 दिन बाद से ही छठ पूजा शुरू हो जाती है। इस बार छठ पूजा का त्योहार 8 नवंबर से शुरू होगा। छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है। डीडीएमए ने सिर्फ छठ नहीं बल्कि नवंबर तक आने वाली बाकी त्योहारों के लिए भी गाइडलाइंस जारी की है और लोगों को घर में ही छठ पूजा के साथ साथ इन त्योहारों को मनाने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए पटाखों पर पहले ही बैन लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 15 सितंबर को ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी, जिसके बाद अब कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए दिल्ली में इस बार फिर त्योहारों के सीजन में सख्ती बढ़ा दी गई है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।